मेहुल कार से फायरिंग कंटिन्यू करता है और आदि मैंगो बम्स एलियंस पे फेंकने लगता है। एलियंस ये सब देख एकदम डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं, लेकिन अपने साथी को छुड़ाने एलियंस दोबारा से वापस जरूर आएंगे। तब क्या करेगा मेहुल? रात के 10 बज रहे थे। मेहुल, डॉक्टर संजना और बुलबुले साइंटिस्ट उस एलियन की लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक मेहुल के पास आदि का कॉल आता है। इतनी रात को आदि का कॉल, लगता है एलियन फिर से आ गए। मेहुल आदि का कॉल रिसीव करता है तो आदि मेहुल को बताता है कि अभी अभी उसके सिस्टम ने एलियन के स्पेसशिप को ट्रैक किया है। डॉक्टर संजना, एलियन फिर से हमारे शहर की तरफ आ रहा है, मुझे जाना होगा। मेहुल तुरंत अपनी कार से आदि के घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में मेहुल को एक कुआं दिखाई देता है और उसके पास एक आदमी खड़ा था। उसने हुडी पहन रखी थी। उसे देखकर मेहुल को डाउट होता है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं मेहुल को डाउट क्यों हुआ? सोचिए सोचिए। पैरों के निशान देखिए ग्रीनिश है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल तुरंत अपनी कार खड़ी करके उस आदमी के पास पहुंच जाता है। कौन हो तुम, इतनी रात को कुएं के पास क्या कर रहे हो? लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोलता और अपना चेहरा छुपाकर वहां से जाने लगता है। मेहुल तुरंत पीछे से जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही मेहुल उस आदमी का हाथ पकड़ता है, वो आदमी मेहुल को एक जोरदार घूंसा मारता है और मेहुल दूर जाकर गिरता है। ये आदमी तो बहुत ताकतवर है। मेहुल तुरंत अपनी गन निकाल लेता है और उस आदमी को टारगेट करने लगता है, लेकिन वो आदमी हवा में उड़ने लगता है। इससे पहले कि मेहुल फायरिंग कर पाता, वो आदमी अपने हाथों से स्पाइडर जैसा जाल फेंकता है और मेहुल की गन छीन लेता है। ये देखकर मेहुल एकदम चौंक जाता है। कौन हो तुम और एलियंस की मदद क्यों कर रहे हो? मैं ग्रीन मैन हूँ और एलियंस के साथ मिलकर पूरी धरती पे कब्जा करना चाहता हूँ। तुम मुझे नहीं रोक सकते मेहुल। अरे, इसे तो मेरा नाम भी पता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल तुरंत दौड़कर अपनी कार से बुलबुले साइंटिस्ट की स्प्रिंग गन निकालता है, पास ही में लगे पेड़ पे निशाना लगाता है और तेजी से स्लाइड होता हुआ ग्रीन जायंट के पास पहुंचता है और उसे एक जोरदार किक लगाता है, लेकिन ग्रीन जायंट को कुछ नहीं होता और मेहुल नीचे गिर जाता है। मेहुल फिर से स्प्रिंग गन की मदद से ऊपर आता है और इस बार ग्रीन जायंट की गर्दन पकड़ लेता है। मेहुल उसे बहुत मुक्के मारता है, लेकिन ग्रीन जायंट को कुछ भी नहीं होता। ये तो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। मेहुल उसे मुक्के मारना कंटिन्यू करता है और ग्रीन जायंट हवा में और ऊपर जाने लगता है और फिर वो अपनी घड़ी का एक बटन दबाता है और उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है। मेहुल के हाथ जलने लगते हैं और वो ग्रीन जायंट को छोड़ देता है। मेहुल नीचे गिरने लगता है। अब नीचे एक कांटे वाला पेड़ है, एक नुकीली जाली लगी हुई है और बगल में बहुत सारे पत्थर डले हुए हैं। अगर मेहुल नीचे गया तो उसका भरता बन जाएगा। तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं मेहुल क्या कर सकता है? सोचिए सोचिए। मेहुल के पास अभी भी स्प्रिंग गन है। मेहुल तुरंत सामने वाले पेड़ को टारगेट करता है और ट्रिगर दबा देता है और पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है। मेहुल के पेड़ पे पहुंचते ही वहां बहुत सारे बैट्स थे जो इधर उधर उड़ जाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने तुम लोगों की नींद खराब कर दी। तब तक ग्रीन जायंट वहां से जा चुका था। मेहुल वहां से सीधा अपनी कार लेकर आदि के घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन मेहुल को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ग्रीन जायंट उस कुएं के पास इतनी रात को क्या करने आया था। जरूर वो उस कुएं को देखने आया होगा ताकि अगली बार एलियंस कुएं का सारा पानी लेके जा सके। मेहुल को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि एलियंस को कैसे रोका जाए। ऊपर से ग्रीन जायंट भी एलियंस के साथ मिला हुआ था और उसके पास बहुत हाई लेवल की पावर थी, लेकिन ये ग्रीन जायंट है कौन और कहां से आया है? इतना सोचते सोचते मेहुल आदि के घर पहुंच जाता है। मेहुल आदि के घर के अंदर जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर मेहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आदि नीचे जमीन पे पड़ा हुआ था और उसकी बॉडी से खून निकल रहा था। मेहुल तुरंत आदि के पास जाता है। उठो आदि, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? लेकिन आदि को होश नहीं आता। मेहुल तुरंत आदि को उठाकर अपनी कार में ले लेता है और सीधा डॉक्टर संजना की लैब के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में मेहुल पूरी स्पीड से कार चला रहा था। आदि एकदम इमरजेंसी कंडीशन में था। भला आदि को किसने मारा होगा? कहीं ये सब एलियंस ने तो नहीं किया है? मेहुल उतना सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसकी कार एकदम से रुक जाती है। मेहुल कार की स्पीड और तेज करता है, लेकिन उसकी कार आगे ही नहीं बढ़ रही थी। सड़क पे तो कीचड़ भी नहीं है, तो भला कार को क्या हो गया? मेहुल पीछे का कैमरा ऑन करके देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ग्रीन जायंट ने मेहुल की कार को पीछे से उठा रखा था। अगर मैं गाड़ी से बाहर गया तो ग्रीन जायंट मुझे पक्का मार देगा, उसके पास बहुत सारे पावर्स हैं। मेहुल कार के पीछे वाले हिस्से का फायरिंग सिस्टम ऑन कर देता है
और मेहुल की कार से फायरिंग होने लगती है। एक गोली सीधे जाके ग्रीन जायंट के हाथ में लगती है और ग्रीन जायंट मेहुल की कार छोड़ देता है। मौके का फायदा उठाकर मेहुल पूरी स्पीड में कार चलाता है और डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से बंद था। कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल, इन चारों में मुझे बताइए ऑड वन आउट क्या है लॉजिकल आर्मी। कंप्यूटर को छोड़ के बाकी तीनों वायरलेस डिवाइस है। मेहुल तुरंत बटन ए प्रेस करता है, लैब का दरवाजा खुल जाता है। मेहुल तुरंत आदि को लेकर लैब के अंदर चला जाता है और डॉक्टर संजना से कहता है, डॉक्टर संजना तुरंत लैब का हाई सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट कर दीजिए, ग्रीन जायंट किसी भी समय यहाँ पे आ सकता है। इसके बाद डॉक्टर संजना तुरंत आदि का ट्रीटमेंट करने लगती है। थोड़ी देर बाद आदि को होश आ जाता है और आदि मेहुल को बताता है कि मैं उस एलियंस के स्पेसशिप को ट्रैक कर रहा था, तभी अचानक मेरे घर पे ग्रीन जायंट आ गया और बहुत सारे एलियंस भी आ गए। उन लोग ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बेहोश हो गया था और उन्हें लगा कि मैं मर गया तो वो चले गए। इसका मतलब जब तुम एलियंस के स्पेसशिप को ट्रैक कर रहे थे, उन्होंने तुम्हारी लोकेशन भी ट्रैक कर ली। तभी अचानक बुलबुले साइंटिस्ट मेहुल को आवाज लगाता है, मेहुल मैंने इस एलियंस की लैंग्वेज को डिकोड कर लिया है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम लोगों को पता चल जाएगा कि एलियंस इतने सारे पानी का क्या करते हैं। मेहुल तुरंत हेडफोन लगाकर उस एलियन से बात करता है तो वो एलियन कहता है, हमारी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए हम लोग धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके बाद मेहुल उस एलियन से पानी के बारे में पूछता है तो एलियन बताता है, पानी की मदद से हम लोग ऑक्सीजन बनाते हैं, हमारी दुनिया के पेड़ खत्म हो गए हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम धरती से पानी लेके जाते हैं। जिस स्पीड से पेड़ धरती पे कट हो रहे हैं, एक दिन धरती पर भी यही हाल होगा। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। उधर आलिया खाना खाकर छत पर टहल रही थी, तभी अचानक उसके स्विमिंग पूल के पास एलियंस का स्पेसशिप लैंड हो जाता है और सारे एलियंस मिलकर स्विमिंग पूल का पानी स्पेसशिप में भरने लगते हैं। ये देखकर आलिया को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अगर एलियंस ने स्विमिंग पूल का सारा पानी ले गया तो आलिया स्विमिंग कैसे करेगी। आलिया तुरंत अपने किचन के सारे बर्तन लाती है और एलियंस के ऊपर फेंकने लगती है, ये चम्मच, ये कटोरी, ये थाली, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। आलिया को देखते ही सारे एलियंस आलिया के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। आलिया कार्टविल करते हुए बचते बचाते हुए दूर तक पहुंच जाती है। वहां आलिया को तीन सीढ़ी दिखाई देती है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं तीनों में से कौन सी सीढ़ी आलिया लेगी तो सेफ रहेगी, सोचिए सोचिए। पहली सीढ़ी तो आलिया को टंकी तक लेके जा रही है, वहां से तो आलिया एलियंस को और अच्छे से दिखेगी। दूसरी सीढ़ी तो वापस स्विमिंग पूल के पास जा रही है, वहां तो एलियंस ऑलरेडी है। लेकिन तीसरी सीढ़ी के बगल में देखिए आलिया की स्कूटी रखी हुई है। आलिया तुरंत तीसरी सीढ़ी से नीचे आती है और अपनी स्कूटर लेके एक दो तीन हो जाती है। आलिया पूरी स्पीड से स्कूटी चलाती है और सीधा डॉक्टर संजना के लैब में पहुंच जाती है। अरे आलिया, इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? सर, वो मैं आलिया की सांस फूल रही थी और वो बहुत घबराई हुई थी। मेहुल तुरंत आलिया को पानी पिलाता है और फिर आलिया मेहुल को पूरी बात बताती है। आलिया, तुम्हें एलियंस के ऊपर बर्तन फेंकने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे आराम से कॉल करके बता सकती थी, पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। इसके बाद मेहुल तुरंत गन लेता है और अपनी कार से आलिया के साथ उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन तब तक एलियंस स्विमिंग पूल का सारा पानी लेकर जा चुके थे। सर, मेरा पूल खाली कर दिया। स्विमिंग पूल तो दोबारा भर जाएगा, लेकिन अगर एलियंस इसी तरह हमारे शहर का पानी ले जाते रहे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मेहुल और आलिया वापस आने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ग्रीन जायंट पूरी तैयारी के साथ खड़ा हुआ था। इससे पहले कि मेहुल कुछ कर पाता, ग्रीन जायंट हवा में उड़कर मेहुल की गाड़ी के पास आता है और अपनी पावर की हेल्प से मेहुल की गाड़ी को उठाकर फेंक देता है। मेहुल और आलिया गाड़ी के अंदर ही थे। क्या ग्रीन जायंट मेहुल और आलिया को मार देगा? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।